जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन के दौरान उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर को कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया गया। जैसे ही पुलिस ने राजेश सोनकर को गेट पर रोका, वैसे ही खबर पाकर कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना वहां पहुंच गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को समझाइश दी कि किसी भी जन प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री से मिलने से नहीं रोका जा सकता और उन्होंने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। देखिए विधायक को अगर आप विधायक के साथ अगर हमारी एक तो साथी को लाने में दिक्कत है मेरी विधानसभा में तो मैं ही कार्यक्रम छोड़ देता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे नहीं मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वो तो कलेक्टर है, मैं देखता हूँ कैसे कार्यक्रम करा जाए। अगर इस तरह का व्यवहार चलना है तो आपकी चलो मैं भी नहीं रहता कार्यक्रम मेरी विधानसभा में, अगर मेरे साथ आने वालों को रोका जाए। मेरी बात सुन लो आप। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का कहना था कि जन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोकना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जिला प्रशासन ने कोरोना काल में काफी गड़बड़ियां की हैं और जिला प्रशासन के कारनामे मुख्यमंत्री के सामने उजागर ना हो जाएं, इसलिए जन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोका जा रहा है। दहशत में है सरकार और दहशत ऐसी है कि कांग्रेस का कोई जो जन प्रतिनिधि है अगर वो किसी सार्वजनिक उस कार्यक्रम में आता है जहाँ पे उसका हक बनता है। विक्टोरिया कॉलेज या विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है ये एक जनता का अस्पताल है और यहाँ पे मुख्यमंत्री का आना और मुख्यमंत्री को इस बात पे अविश्वास क्यों होना चाहिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा तो उसके बारे में वो कोई ना कोई सच्चाई की बात करेगा। जबलपुर शहर के जिला प्रशासन को ऐसा किस बात की चिंता है, किस बात का डर है या ऐसा कौन सा गलत काम जबलपुर का जिला प्रशासन कर रहा है कि जनप्रतिनिधि से मिलने से डर लगता है। जब राजेश सोनकर जी जिन्होंने सुबह एक ज्ञापन दिया जबलपुर शहर की जनता के लिए और जबलपुर के पुलिस प्रशासन ने उस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया 11:30 बजे कर लिया, अब अगर वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में रहना चाहते हैं, शामिल होकर उस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर प्रशासन को किस बात की घबराहट है, किस बात का डर है। और अगर इस बात का डर है उनको मिलने से घबराहट हो रही इसका मतलब है जबलपुर शहर में कोरोना से लेकर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं या जबलपुर शहर के जिला प्रशासन को लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो असफलताएँ वो सामने लाई जाएंगी या कहीं ना कहीं वो बातें कोई कर सकता है। ये जो अंदर का इनका डर है ये स्पष्ट दिखाता है कि मध्य प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जबलपुर शहर में भी सब कुछ ठीक नहीं चलता, इसीलिए जनप्रतिनिधियों को मिलने से और सामने आने से रोका जा रहा है। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर को विक्टोरिया अस्पताल के गेट पर रोके जाने से काफी देर तक वहां विवाद के हालात बने रहे, किंतु किसी तरह पुलिस के आला अधिकारियों ने दखल देकर मामले को शांत कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।